रोमन रेंस ने करवाया डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा, ब्रॉन स्ट्रोमन ने दी अपनी इंजरी पर अपडेट, जॉन सीना तोड़ेंगे कल अपनी एक बड़ी स्ट्रीक और टीएलसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं ये चार शॉकिंग थिंग्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की वीडियो होने वाली एक मैचअप वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टीएलसी 2019 से जुड़े उन चार शॉकिंग थिंग्स की जो कि हमें काफी अचंभे में डाल सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे आज दिन की तीन से चार बड़ी खबरें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उन चार शॉकिंग थिंग्स की जो कि कल टीएलसी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर चार के ऊपर आता है शेमस का इनरिंग रिटर्न। तो गाइस शेमस जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपना रिटर्न कर चुके हैं, वो अभी तक केवल प्रोमो पर प्रोमो ही काटे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों टीएलसी पीपीवी के अंदर हमें उनका इनरिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां दोस्तों बैक स्टेज वो किसी कमजोर रेसलर या फिर कह लीजिए किसी हाई फ्लायर को जैसे कि मुस्तफा अली या फिर चैड गेबल को अपना शिकार बना सकते हैं। और अगर दोस्तों शेमस का रिटर्न होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक फिलर के जैसा काम करेगा टीएलसी के बीच में या फिर टीएलसी के एंड से पहले, दोस्तों अगर ये सेगमेंट देखने को मिल जाता है तो काफी शॉकिंग थिंग होगी। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर तीन के ऊपर, और नंबर तीन पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है बैकी एंड शाओलेट विंस डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप। तो कल दोस्तों बैकी लिंच और शाओलेट फ्लेयर फेस करने वाली है काबुकी वॉरियर्स को। अब इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये काफी लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन साल के अंत आते आते एक दूसरे के साथ ही बन चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें बैटिंग ऑड्स के विपरीत एक ऐसा शॉक देखने को मिल सकता है जो कि हमारे छक्के छुड़ा सकता है, जहां बैकी लिंच और शाओलेट फ्लेयर बन जाए न्यू वुमेन्स चैंपियन। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर दो के ऊपर, और नंबर दो पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है डॉल्फ ज़िगलर का रोमन रेंस की मैच के मध्य दखल। तो गाइस रोमन रेंस के मैच के बीच में हमें डॉल्फ ज़िगलर उंगली करते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉल्फ ज़िगलर को रोमन रेंस ने ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये एंगल देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस अपने मैच को जीतने ही वाले हो कि वहां डॉल्फ ज़िगलर उनके ऊपर टूट पड़े और जिसका फायदा सीधा कॉर्बिन को मिले, पर कॉर्बिन मैच को ना जीत पाए और उसके बाद मैच कंटिन्यू रहे। तो हां, डॉल्फ ज़िगलर वहां रोमन रेंस के मैच के अंदर गंद डाल सकते हैं और एक तरीके से रोमन रेंस के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर एक के ऊपर। नंबर एक पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है डेनियल ब्रायन का फीड को सपोर्ट। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था स्मैकडाउन वाली वीडियो में कि ब्रे वाइट का कहना यह है कि फीड के पास है डेनियल ब्रायन। अब दोस्तों इसे साफ होता है कि डेनियल ब्रायन को उन्होंने अपने वंशीकरण में कर दिया है, और ऐसे में दोस्तों हमें यह एंगल देखने को मिल सकता है कि वहां जब दमीज ब्रे वाइट की पिटाई कर रहे हो और मैच को जीतने ही वाले हो कि तभी दोस्तों वहां उन्हें देखे डेनियल ब्रायन कॉर्नर के ऊपर, जिससे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, जिसका सीधा फायदा पहुंचे शरीफ वाले ब्रे वाइट को और वो मैच को जीतने में कामयाब रहे। इस तरीके से दोस्तों अगर इस मैच का अंत होता है तो ये राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी डेनियल और फीड की। उसी के साथ द मिज भी इस स्टोरी लाइन के अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी दोस्तों वो कच्चे पक्के लग रहे हैं कि शायद से वो डेनियल की स्टोरी लाइन में जुड़ने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये एंगल होने के काफी ज्यादा चांसेस है और ये थिंग आपको शॉक कर सकती है। बट गाइस अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि उन खबरों के ऊपर जो कि आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तो गाइस सबसे पहली खबर जो हमारी आज की जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन से। तो आप जानते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो पहले शिंस्के नाकामुरा के ओपोनेंट माने जा रहे थे, लेकिन एक इंजरी के चलते वो हो गए बाहर और टीएलसी के अंदर वो मैच नहीं बन पाया जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन आज दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी हेल्थ के ऊपर एक ब्रांड न्यू अपडेट दी है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर के नीचे जो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लिखा वो अपडेट ही थी, वो कोई कैप्शन नहीं था। ब्रॉन स्ट्रोमैन का कहना यह है कि वो अपनी बैक की यानी कि अपनी पीठ की नर्सिंग कराते कराते काफी बोर हो चुके हैं और इस पर उन्होंने लोगों का विचार मांगा है। अब गाइस विचार की क्या बात करें, ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो काफी अंडररेटेड रेसलर है। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने समय से दोस्तों उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओवर किया गया, स्टिल उन्हें चैंपियनशिप नहीं दी जाती है, यह काफी बुरी थिंग है। हाँ दोस्तों शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ माना जा रहा था कि वो आईसी चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, बट वो भी नहीं हो पाया, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब देखते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न यानी कि दोस्तों कब उनका कमबैक हमें देखने को मिलता है। बट गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस आज की हमारी जो दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है
वो जुड़ी हुई है दोस्तों आपके 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस कल टीएलसी के अंदर जॉन सीना अपनी स्ट्रीक को तोड़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे यार जॉन सीना तो पार्ट ही नहीं है टीएलसी का, ये बंदा क्या बोल रहा है। तो मैं आपको दोस्तों शांति से बता देता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों जॉन सीना का जो डेब्यू था वो आज से कई साल पहले सन 2002 में वेंजेंस पीपीवी के अंदर हुआ था, जो कि उनका पहला पीपीवी था। तब से लेकर आज तक जॉन सीना हर साल किसी एक ना एक पीपीवी को अटेंड कर ही लेते थे, लेकिन साल 2019 इकलौता ऐसा साल रहा है कि अभी तक उन्होंने किसी भी पीपीवी के अंदर एक मैच दिया हो। इस साल के अंदर दोस्तों हमें उनका एक भी मैच किसी भी पीपीवी के अंदर देखने को नहीं मिला। वो चाहते ना चाहते हुए दोस्तों किसी भी पेपर व्यू के अंदर फाइट नहीं दिए, और आप जानते हैं कि कल साल का आखिरी पेपर व्यू है। कल एक मौका तो बनता है कि वाइकिंग रेडर्स जो ओपन चैलेंज डाले हैं उसके अंदर वो जैसे तैसे आ जाए अपने पार्टनर को लेकर और एक मैच लड़ ले, लेकिन उसके चांसेस बेहद कम है क्योंकि जॉन सीना मूवीज में काफी ज्यादा बिजी है। तो कल उनकी 17 साल की स्ट्रीक टूटने वाली है, और ये थी किसी भी पीपीवी को अटेंड करने की स्ट्रीक। अब देखते हैं जॉन सीना क्या सन 2020 में हमें किसी पीपीवी के अंदर देखने को मिलते हैं कि नहीं, या फिर वो हॉलीवुड में बिजी रहते हैं। पर गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो हमारी आज की जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है टायसन फ्यूरी वर्सेस ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस फिर से टायसन फ्यूरी ने वो थिंग कर दी है जो कि वो बीते 3 से 4 हफ्तों में कर रहे थे, यानी कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अनाप शनाप कहना। तो आप जानते हैं कि टायसन फ्यूरी वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक ऐसा मैच है जो कि रेसलमेनिया 36 के अंदर माना जा रहा है। यहां दोस्तों इससे पहले जो टायसन फ्यूरी थे वो ये कहे थे कि ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहते हैं, लेकिन अब दोस्तों दावा कर रहे हैं इस बात का कि रेसलमेनिया 36 में उनका मैच बन के ही रहेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन तो मैं नहीं बता सकता, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि हाल ही के इंटरव्यू में टायसन फ्यूरी का क्या कहना रहा। तो हाल ही में दोस्तों ब्रॉक लेसनर का एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर उनसे सवाल पूछे गए थे डैश वाइल्डर वाली फाइट के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर, जिस पर दोस्तों टायसन फ्यूरी ये चीज बोले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी बेहतरीन था, मुझे काफी मजा आया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और मैं चाहता हूं कि मैं फिर से लौटूं, लेकिन उस वापसी से पहले मैं डैश वाइल्डर को हराऊंगा बॉक्सिंग के अंदर, और उसके बाद जाकर मैं ब्रॉक लेसनर को हराऊंगा रेसलमेनिया 36 में। तो यहां दोस्तों टायसन फ्यूरी एक तरीके से उन रूमर्स को कंफर्म कर रहे हैं जो कि अभी से कुछ समय पहले उड़े थे जब दोस्तों टायसन फ्यूरी ने चैलेंज किया था ब्रॉक को रेसलमेनिया 36 में। तो साफ सी बात है कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को वाकई में बना सकती है अगर टायसन फ्यूरी इस तरीके के कमेंट कंटिन्यू रखते हैं। और गाइस मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, अगर डैश वाइल्डर को वो हरा देते हैं तो वो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर या फिर कह लीजिए वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे बॉक्सिंग के, और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि विंस मैकमैन के फिर मुंह में लार आ जाएगी, वो सोचेंगे कि बॉक्सिंग चैंपियन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एक बिग मनी डील होने वाली है और वो इस मैच को बना ही देंगे। तो हाँ दोस्तों टायसन फ्यूरी कुछ भी झूठ नहीं कह रहे हैं, अगर वो अपना बॉक्सिंग का मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद आपको ब्रॉक वर्सेस टायसन एट रेसलमेनिया 36 देखने को मिलेगा। बट गाइस अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के मेन खबर के ऊपर। तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। गाइस रोमन रेंस ने करवा दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा। अब आप सोचेंगे कि फायदा कैसा, तो मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स में दोस्तों काफी झुकाव आया है, काफी डिक्रीज आया है। जहां बीते हफ्ते दोस्तों स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप मापी गई थी 2.44 मिलियन, वो इस हफ्ते घटकर रह गई है 2.33 मिलियन। तो 1 लाख तक का यहां दोस्तों हमें झुकाव देखने को मिला, डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन गाइस रोमन रेंस के सेगमेंट ने काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया है इस रेटिंग्स को। तो गाइस रेटिंग्स के बारे में बात कर ली जाए तो रोमन रेंस का अकेला सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू को काफी फायदा पहुंचाया, और इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब के ऊपर अगर आप रोमन रेंस की उस वीडियो के ऊपर जाएंगे जहां दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर को चॉक स्लैम लगाए थे, 24 घंटे के अंदर 3 मिलियन व्यूज आए हैं। तो कहना पड़ेगा कि रोमन रेंस वाकई में बेस्ट फॉर बिजनेस है। अब चाहे दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कहा जाए या फिर कहा जाए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। वहीं दोस्तों बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस दोस्तों कल हमें देखने को मिलने वाले एक मेजर मैच के अंदर जो कि प्रोबेबली टीएलसी का मेन इवेंट हो सकता है, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस किंग कॉर्बिन के मध्य एक टेबल्स लैडर्स एंड चेयर मैच, जिसकी दोस्तों पहले से प्रिडिक्शन कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर
ऊपर आई का बटन आ रहा है वीडियो पे क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे कि किसके ऑर्ड सबसे बेहतर चल रहे हैं। बट गाइज आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि रोमन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कॉर्बिन को। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।